देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। तस्वीर में दिख रहा ये बदमाश है सनी। दिल्ली पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। इसके ऊपर लूट, डकैती, हत्या की कोशिश जैसे 26 मुकदमे पहले दर्ज हैं। दरअसल बाहरी उत्तरी जिले की पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि सनी नाम का ये बदमाश बरवाला रोड से अपने दोस्तों से मिलने आएगा। इसी सूचना पर बरवाला रोड पर पुलिस ने जाल बिछाया। रविवार रात में लगभग 12:50 पर सनी अपनी बाइक पर आया और टीम ने उसे रोक लिया, लेकिन वह रुका नहीं और भागने की कोशिश करने लगा। कांस्टेबल विनोद ने तुरंत बैरिकेड को बाइक की ओर बढ़ाया और सनी अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। भागते हुए बदमाश ने एसआई राजेश पर गोली चलाई, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। सनी ने फिर से कांस्टेबल सत्यवीर पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। खुद को बचाने के लिए कांस्टेबल विनोद ने आरोपी सनी के पैरों पर निशाना लगाकर फायर किया। जब बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पांव में नीचे के हिस्से में गोली लगी। सनी नीचे गिर गया और उसने पुलिस टीम पर फायर करने के लिए अपनी बंदूक को फिर से लोड करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। उसके पास से जांच करने पर एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा राउंड बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसने हथियार और गोला बारूद के बारे में पूछा गया। उसने चौंकाने वाला बयान दिया कि वह दो और व्यक्तियों की हत्या करना चाहते थे, जिसमें एक कुतुबगढ़ का निवासी था तो दूसरा निशाना अपने ही गांव मुबारकपुर का निवासी था, जिसने जुए में उससे झगड़ा किया था। फिलहाल पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात NIA के अंदर एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल था, जिसको NIA की टीम ने एनकाउंटर करके पकड़ा है। ये क्रिमिनल हमारा 29 मई की एक अटैम्प्ट टू मर्डर केस की वारदात में वांटेड चल रहा था। 29 मई की वारदात में जो वाकया था वो ये रहा कि एक भीम सिंह नाम का आदमी है, जिसके साथ कुछ ज़मीन का मसला चल रहा था, और ये ज़मीन का मसला उसी गांव के एक और सहनिवासी, जिसका नाम मनीष है, उसके साथ ये मैटर चल रहा था। हमारा जो अपराधी है, जिसका नाम सन्नी डबास अलियास काला है, ये मुबारकपुर का रहने वाला है। ये प्रेमनगर थाने का BC है और इसके ऊपर 26 मुकदमे हैं। ये मनीष का बहुत ही पुराना दोस्त है, और मनीष की और इसकी आपस में ये एग्रीमेंट तय हुआ था कि मनीष के साथ मिलकर ये जो हमारा अटेम्प्ट टू मर्डर में कंप्लेनेंट था भीम सिंह, उसका मर्डर करेंगे, और बदले में दो आदमियों का मर्डर इसने प्लान करा हुआ था। एक आदमी उसमें से कुतुबगढ़ का रहने वाला है, जिसका इसके कज़न भाई के साथ झगड़ा हो रखा था, और दूसरा इसके गांव का ही मुबारकपुर का आदमी है, जिसके साथ कभी इसका जुआ खेलते हुए झगड़ा हुआ था। 29 मई की वारदात करने के बाद से ही ये लोग फरार चल रहे थे, और उस वारदात में भी इन्होंने बहुत ही ब्रूटली खुले में गोलीबारी करी थी उस आदमी के ऊपर, और उसकी जान जो है बाल बाल बची थी। हमारी टीम 29 मई से ही इनके पीछे लगी हुई थी, और उसकी एफर्ट के सफलता में ये रिज़ल्ट मिला कि मनीष को पकड़ने में हमारी टीम पहले ही कामयाब हो गई, जिससे कि इसके आगे के मर्डर के प्लान जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, और ये इस समय अपने लिए एक नए साथी की तलाश कर रहा था। कल रात को हमारे पास ये इत्तला हुई कि बरवाला रोड पर ये रात को विज़िट करेगा। हमारी टीम ने वहाँ पर एक पूरा ट्रैप लगा के रखा। ये वहाँ पर आया, इसके पास एक बैग था, ये मोटरसाइकिल सवार होकर आया। जैसे ही हमारी टीम ने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, इसने मोटरसाइकिल को फुल स्पीड पे वहाँ से भगाने की कोशिश की, और हमारा जो स्टाफ था, जिसमें SHO NIA इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा, ACP नीरव पटेल के सुपरविजन में ये ऑपरेशन हो रहा था, और सब इंस्पेक्टर राजेश, कांस्टेबल विनोद और जो अन्य टीम के मेंबर थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी। जिस रोकने की कोशिश में इसकी मोटरसाइकिल इम्बैलेंस हो गई और ये वहाँ पर गिर गया। गिरते ही इसने अपने बैग में से पिस्टल निकाल कर पुलिस टीम पर फायर किया। SI राजेश सबसे आगे था, SI राजेश की जान बाल बाल बची। अगली गोली इसने चलाई, वो इसने चलाई कांस्टेबल सत्यवीर के ऊपर, कांस्टेबल सत्यवीर भी बाल बाल बचा। इसी दौरान इसको टैकल करने के लिए, और इसने अपनी बैग से दूसरी जो पिस्टल निकालने का जो कोशिश करी,
उसी दौरान में हमारी टीम ने इसको झपट के पकड़ने की कोशिश करी और उसी मुठभेड़ में इसको गोली लगी, इसके दाहिने पैर में गोली लगी। और हमारी टीम ने बहुत ही निडरता से इस अपराधी को पकड़ा है, बहुत ही ये जघन्य अपराधों में इन्वॉल्व रहा है। और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 पिस्टल निकल के आई और 7 राउंड थे। और जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो 2 राउंड इसकी जेब से भी मिले। और इसी के साथ ये जो मोटरसाइकिल हमने रिकवर करी है, ये वही मोटरसाइकिल है जो इसने हमारी 29 मई की वारदात में भी इस्तेमाल करी थी। इससे पहले भी हमारी टीम ने 3 बार कोशिश करी थी इसको पकड़ने की, पर तीनों बार ये इतना चौकन्ना था, इतना चलाक था कि ये वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। तो ये इतने समय की पूरी मेहनत का नतीजा रहा जो कल हमारी टीम ने इस कारनामे को अंजाम दिया। अपनी जान पे खेलते हुए इस ड्रेडेड क्रिमिनल को पकड़ा और ये सफलता उनको इनके निरर्थक प्रयास जो चल रहे थे उसके चलते मिली। और ये टाइमली जो पुलिस एक्शन ले पाई, ये क्रिमिनल पकड़ा गया तो 2 निर्दोष लोगों की जान बची। अवधेश कुमार, दिल्ली। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।